कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के दौरान हमीरपुर पुलिस पब्लिक एसोसिएशन ने लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए जागरूक किया। जागरूकता मुहिम के चलते हमीरपुर में पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने गांधी चौक से लेकर भोटा चौक और बस स्टैंड तक लोगों को मास्क वितरित किए। इस दौरान पुलिस पब्लिक एसोसिएशन पीपीए के सदस्यों द्वारा लोगों को मास्क बांधकर कोविड-19 के बचाव के बारे में जागरूक किया गया। वहीं इस दौरान बाजार में कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे, जिन्हें पीपीए के सदस्यों द्वारा मास्क बांधकर दोबारा बिना मास्क लगाए बाजार में न आने की नसीहत दी। पीपीए के सदस्यों ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि जब भी बाजार आए, किसी भी समारोह में जाएं या फिर किसी सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो मास्क को जरूर लगाएं। साथ ही वाहन चालकों को भी वाहन चलाते समय मास्क का उपयोग करने का आह्वान किया। पीपीए एसोसिएशन के प्रधान रमेश चंद शर्मा ने कहा कि लोगों का दायित्व बनता है कि कोरोना से बचना है तो मास्क लगाए। लोगों को आज बाजार में कोरोना महामारी के बचाव के लिए मास्क वितरित किए गए। दायित्व बनता है कि सब लोगों को लगाएं, मास्क लगाएं और इस महामारी से बचें। पीपीए के महासचिव राजीव पुरी ने बताया कि पीपीए एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा करना है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में लोगों को मास्क वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करें। हमारा मुख्य जो कारण हमेशा से रहा है एचपीपी का, कि हम समाज के लिए हमेशा अच्छे सही कदम उठाएं। हम उन्हें हर तरह से कहीं ना कहीं उन्हें जागरूक करते रहें ताकि वो अपने आप में सुरक्षित और खुशहाल रहें। हमारा जो मेन रोल है, हमारा पुलिस और पब्लिक के बीच का रोल है ताकि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि पुलिस को भी बहुत आसानी से काम करने का तरीका मिले, ताकि उन्हें कोई सख्त कदम ना उठाने पड़े और पब्लिक भी उनका सहयोग करें ताकि वो सुरक्षित रहें। अगर आज अगर पुलिस प्रशासन या प्रशासन की तरफ से कोई निर्देश आ रहे हैं तो वो पब्लिक के लिए ही आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ अधिकारियों की बातें नहीं करनी, हमें जिम्मेवार भी बनना है। अगर वो हमें कह रहे हैं कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, तो वो हमारे फायदे के लिए ही है। तो आई थिंक वी हैव टू फॉलो दिस, और अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद ही कसूरवार। एसएचओ हमीरपुर संजीव गौतम ने कहा कि पीपीए ने पहले भी पुलिस के साथ सहयोग किया है और आज पीपीए के द्वारा मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया, बल्कि मास्क भी बांटे, जो कि बढ़िया कदम है। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि लोग मास्क लगाएं और अपनी सुरक्षा करें ताकि समाज भी सुरक्षित हो सके। देखिए, मैं आपके माध्यम से पीपीए को धन्यवाद देता हूं कि वो जन सुरक्षा के इस अभियान में हमारे साथी बने हैं। वैसे पीपीए जो है वो हर मुहिम में पुलिस के साथ खड़ी है, पुलिस और जनता के बीच की खाई को पाटने का काम बखूबी कर रही है। पिछले 2 सालों में मुझे बहुत ही अच्छा सहयोग पीपीए की तरफ से मिला है और आज की जो मुहिम है इसके लिए मैं पीपीए को साधुवाद देता हूं। और मैं पीपीए के लोगों से आह्वान करता हूं कि हर स्तर पर हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि मास्क जो है ये हमारा एक हथियार है कोविड के खिलाफ इस लड़ाई में, और ये उतनी ही ज़रूरी है जैसा लड़ाई में जाते समय एक बुलेट प्रूफ जैकेट जिस तरह से काम करती है, उसी तरह से मास्क जो है वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट है कोरोना के खिलाफ। तो मैं सभी से आह्वान करूँगा कि मास्क लगाएं और अपनी सुरक्षा ध्यान में रखें। अपनी सुरक्षा करते हुए हम अपने परिवार की और समाज की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं पीपीए को धन्यवाद देता हूँ। गौतम ने कहा कि अब मास्क न लगाने पर लोगों के चलान भी किए जा रहे हैं और पुलिस एक्ट 111-115 में चलान किए जा रहे हैं, जिसमें 8 दिन की सजा के साथ साथ 5,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत हमीरपुर में भी आगामी दिनों में सख्ती बरतते हुए चलान किए जाएंगे। और जैसा कि पीपीए ने अपनी इस मुहिम के दौरान, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, उन्होंने ये भी जानकारी दी है जनता को कि यदि हम मास्क नहीं लगाएंगे तो इसके लिए चालान भी किए जाएंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मुहिम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार ऑलरेडी चलाई जा रही है। अभी 111-115 पुलिस एक्ट में हम लोग चालान कर रहे हैं, जिसमें 5,000 रुपये तक जुर्माना और 8 दिन तक की कैद का प्रावधान है। और देखिए, मैंने पहले भी आह्वान किया था जनता से कि हमें आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है,
इसमें हमें आपका सहयोग अपेक्षित है। यदि आप हमें सहयोग करते हैं तो हम आपके धन्यवादी हैं, यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो फिर हमें मजबूरी में आपके खिलाफ सख्त कदम जैसे चालान अथवा इम्प्रिजनमेंट इस तरह के कदम उठाने पड़ सकते हैं, परंतु किसी भी सूरत में हम आपकी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे और पीपीए को मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। गौरतलब है कि पुलिस पब्लिक एसोसिएशन हमीरपुर पिछले 1.5 दशकों से पुलिस के साथ हर मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और क्राइम कंट्रोल से लेकर यातायात व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पीपीए काम कर रही है। इस अवसर पर पीपीए के अध्यक्ष रमेश चंद, महासचिव राजीव पुरी, कोषाध्यक्ष मुनीश पुरी, सदस्य जसवंत सिंह, मुन्ना वर्मा, अजय, प्रेस सचिव जसवीर कुमार, अरविंदर सिंह, अशोक राणा, अश्विनी कुमार भी मौजूद रहे।